विद्यार्थियों नमो नमः। विद्यार्थियों, माउंट लिट्रा जी स्कूल सूरत में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रही हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसे हम अनेक शब्दों के एक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ, राम गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है। तो मैंने आज्ञा का पालन करने वाला जो ये वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया कि राम गुरु का आज्ञाकारी है। अगला है, जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसे शुद्ध कीजिए। इस वाक्यांश की जगह मैंने लिखा रेखांकित को शुद्ध कीजिए। तो आपने देखा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द कैसे हम प्रयोग करते हैं। जब आप एक वाक्यांश की जगह पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम वाक्यांश बोधक शब्द भी कह सकते हैं। परिभाषा, वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली, संगठित और एवं संक्षिप्त बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन से हैं। सबसे पहला है जो दिखाई ना दे। हमने इस वाक्यांश की जगह पर प्रयोग किया अदृश्य। जो अपनी ओर खींचे। यदि मैं कोई एक ऐसा वाक्य बोलूं जिसमें मैं आपको कह रही हूं कि उसका व्यक्तित्व मुझे अपनी ओर खींच रहा था, तो मैंने उसकी जगह पर एक शब्द ऐसा प्रयोग किया कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। तीसरा, जो ऊपर कहा गया हो। उपर्युक्त, ये शब्द अक्सर आपके प्रश्न पत्र में प्रयोग होता है, जैसे कि आपको दिया जाता है कि उपर्युक्त लिखे वाक्यों को निम्नलिखित लिखें, अर्थात ऊपर दिए गए वाक्यों को नीचे लिखें। जो अपने कार्य में होशियार हो, उसे हम एक शब्द में बोलते हैं कार्यकुशल। जो कड़वा बोलता हो, अर्थात कटुभाषी। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जब हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी जो भाषा है वो प्रभावशाली तो बनती ही है, दूसरी आपकी भाषा संक्षिप्त बनती है, अर्थात आप ज़्यादा कुछ थोड़े शब्दों में कह सकते हैं। जिस वाक्य में हम एक पूरा वाक्यांश लिखकर अपनी बात कह रहे हैं वहाँ पर हम एक शब्द का प्रयोग करके भी अपनी बात रख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आइए इसके अन्य उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि जो मीठा बोलता हो, उसे हम बोलते हैं मधुरभाषी। अगर मैं किसी व्यक्ति को ऐसे बोलूं या किसी बच्चे को ऐसे बोलूं कि आप तो बहुत मीठा बोलते हो, तो मैंने उसकी जगह प्रयोग किया कि आप मधुरभाषी हो। तो ये वाक्य एक तो मेरी भाषा को प्रभावशाली बनाया और दूसरा संक्षिप्त बनाया कि मैंने थोड़े शब्दों में अपनी बात रख दी। अगला, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। जो आज के युग का हो, आधुनिक। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अर्थात जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, उसे हम बोलते हैं अनुपम। कि भगवान तो
अनुपम है। या आप किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि उसका व्यक्तित्व तो अनुपम है, अर्थात किसी से उसका कंपैरिजन या तुलना या उपमा नहीं की जा सकती। अगले उदाहरण में आता है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अतिथि। दूसरे देश को सामान भेजना निर्यात। जहां से दवा मिले उसे हम कहते हैं औषधालय। जहां जाना कठिन हो दुर्गम। अब मैं जब एक सेंटेंस बोलती हूँ कि वहां जाना बहुत कठिन है, उसके स्थान पर मैंने बोला कि वह रास्ता अति दुर्गम है, तो ये वाक्य और वाक्यांशों के लिए एक वाक्य में आपने ये डिफरेंस देखा कि आपकी भाषा कितनी संक्षिप्त और प्रभावशाली व सौंदर्यात्मक हो गई है। तो ये वाक्यांशों के जो एक शब्द हैं, विद्यार्थियों आप इनको याद करें और अपने जीवन में भी प्रयोग में इसे ला सकते हैं और लिखने में आपको इसकी मदद मिलेगी। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। अगला है उपकार ना मानने वाला, जो किसी की उपकारिता को, किसी की भलाई को, किसी के दया भाव को नहीं मानता, उसे हम बोलते हैं कृतघ्न, कि यह व्यक्ति तो कृतघ्न है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। साथ पढ़ने वाला, जैसे कि आप अपने विद्यालय में अपने साथियों को क्या बोलते हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं आप उनको बोलते हो सहपाठी, और इंग्लिश में आप उन्हें बोलते हो क्लासमेट्स। लेकिन जो आपके साथ में विद्यालय में पढ़ता है उसे आप बोलते हैं सहपाठी। तो साथ पढ़ने वाला सहपाठी। अपराध करने वाला अपराधी। बहुत जानने वाला, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, उसे बोलते हैं बहुज्ञ। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ। मांस खाने वाला, जो मांस मछली खाता है उसे बोलते हैं मांसाहारी। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जैसे हम बोलते हैं कि यह जो आकाश है, ये जो बादल हैं, ये असीम है, समुद्र असीम है। तो इस तरह के शब्द या प्रभु की माया असीम है, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ऐसे शब्द का प्रयोग आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, कि आप इस प्रकार जब आपको अर्थ पता होगा, आपको वाक्यांश पता होगा कि इस वाक्यांश के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो ही आप अपनी भाषा में मौखिक रूप व लिखित रूप में अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे। यदि आपको अर्थ ही पता नहीं होगा तब आप शब्दों का प्रयोग सही तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप अक्सर ध्यान दें। शाक सब्जी खाने वाला, जो सिर्फ सब्जी दालें फल ही खाता है उसे हम बोलते हैं शाकाहारी। और जिसका कोई अंत ना हो अनंत। तो विद्यार्थियों ये शब्दांश, जो ये वाक्यांश हैं, ये आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे। आइए और उदाहरण इनके देखते हैं। गुप्त बातों का पता लगाने वाला गुप्तचर। चिकित्सा करने वाला, जो डॉक्टरी करता है उसे बोलते हैं चिकित्सक। जहां आसानी से पहुंचा जा सके सुगम। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो विद्यार्थियों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये सभी वाक्यांशों के जो एक शब्द हैं आप इसे अच्छी प्रकार से याद करें। अगर आप इनके अर्थों को, इनके शब्दों को याद कर पाएंगे
तो ही आप इसे मौखिक रूप में और लिखित रूप में अपनी भाषा में प्रयोग कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।